एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल। सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मेकअप हॉल का सेकंड पार्ट। सो मैंने आप लोग के साथ रिसेंट में एक मेकअप हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोग के साथ फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स थे तो मैं एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो मैंने हाफ प्रोडक्ट उस वीडियो में शेयर किए थे और जो बाकी हाफ प्रोडक्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो मैंने उसमें भी आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर किया था जो आपको काफ़ी अच्छा लगा था। सो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही ब्राइट यू नो मल्टी कलर की आईज हैं जो मैंने क्रिएट की हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, और ये सारे प्रोडक्ट्स एले गर्ल और एले कलर्स और एक दो वेट एंड वाइल्ड के हैं, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे एले कलर्स के हैं। तो ये एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी हो जाएगा आपके लिए। एंड आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल, लाइक लुक एट द आई मेकअप, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये आई मेकअप। वैसे मैंने अपने यू नो ईयरिंग्स से इंस्पायर होकर किया है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे कलर्स थे तो मैंने काफ़ी सारे कलर्स अपने आईज में यूज़ करे हैं। सो अगर आपके लिए मेकअप हॉल हेल्पफुल होता है, ये वीडियो पसंद आती है तो गिव अ बिग थम्स अप, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, स्मॉल बेल आइकन है घंटी सी बनी होगी उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे इस हॉल में कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे ये एल ए कलर्स का स्किन इल्यूमिनेटिंग इन्हेंसर, ये लिक्विड हाइलाइटर है जिसे आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके या फिर फाउंडेशन से पहले अपने फेस पे लगा सकते हो। तो ये गोल्ड यू नो लिक्विड इल्यूमिनेटर है और इसके पार्टिकल्स बहुत चंकी नहीं है, बहुत बैम बैम हाइलाइटर नहीं है। तो मैंने इसे अपने फेस पे लगाया था यू नो एज ए इल्यूमिनेटिंग बेस। तो ये ड्रॉपर के साथ आता है तो इसको अप्लाई करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये वाइट गोल्ड इन कलर में है। फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये यूज़ किया है। सेकेंड मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ किया है, ये मेकअप फॉर लाइफ का है, ये ब्रांड थोड़ा सा अलग है। ये मेकअप फॉर लाइफ का कंसीलर और रोटेटिंग कंसीलर है इन द शेड 03। सो ये थोड़ा सा ऑरेंजी टिंट है, सो इसको आप यू नो डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब कि आपको यू नो सिंपली इस तरीके से अप्लाई करना है। तो मैंने फर्स्ट पहले ये कंसीलर अप्लाई किया था ताकि डार्क सर्कल साइड हो जाए, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे फाउंडेशन है वो मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट है। तो मेरे पास यहाँ पे दो फाउंडेशन, सबसे पहले है ये एल ए कलर्स का ट्रूली मैट लॉन्ग वेयरिंग हाई पिगमेंट फाउंडेशन, सेकेंड वन इज एल ए गर्ल का प्रो मैट हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। दोनों ही ट्रूली मैट हैं, हाई डेफिनेशन है और लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हैं। तो मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं एल ए गर्ल का वन ब्रांड मेकअप लुक करूँगी या फिर न्यू इम्प्रेशन कुछ करूँगी तो मैं यूज़ करूँगी, और ये शेड भी बहुत ही ज़्यादा यू नो वाइट है मेरे लिए तो मैं इसे मिक्स करूँगी। तो मैंने यूज़ किया है ये एल ए गर्ल का एल ए कलर का फाउंडेशन जो कि आप देख सकते हो अब ऑक्सीडाइज होने के बाद स्किन में मैच हो गया थोड़ा सा। सो या अदरवाइज ये भी थोड़ा सा मेरे लिए वाइट है, पर ये काफ़ी अच्छे फाउंडेशन हैं, आपको काफ़ी अच्छा कवरेज देते हैं फाउंडेशन। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे हैं ये दो फाउंडेशन। नेक्स्ट मेरे पास है ये एल ए कलर्स का मिनरल प्रेस्ड पाउडर जो कि बिल्कुल ठीक है मेरी स्किन टोन से, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइटिंग होना चाहिए क्योंकि आपको सेट करना है अपने बेस को। सो नेक्स्ट मैंने ये यूज़ किया था। नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया था अपना आई मेकअप, तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए ये दो आई शेडो पैलेट जो दोनों ही एल ए कलर्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ आई लव ड्रामा आई पैलेट एंड सेकेंड वन इज़ कूल एल ए कलर्स। तो मुझे ये वाला पैलेट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो ये एक स्पंज टिप एप्लीकेटर के साथ आते हैं, मैंने यहाँ पे कहीं ड्रॉप कर दिया वो। सो इसमें आपको सब पे लिखा है क्रीज लेट, तो आपको हाईलाइटर्स भी मिल रहे हैं, दो मैट और एक शिमरी हाईलाइटर मिल रहा है अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। एंड इसमें कुछ शेड्स तो काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड, लाइक दिस ब्लू वन एंड ये दिस कॉपरिश वन, बट कुछ शेड काफ़ी ज़्यादा ही यू नो पिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं, स्पेशली ये ब्लैक वन एंड दिस पर्पल वन, जैसे कि आप देख सकते हो फिंगर की हेल्प से ये पिक हो रहे हैं, बट थोड़ा ब्लेंडिंग में इनको प्रॉब्लम है क्योंकि ये पाउडरी नहीं है बहुत ज़्यादा। सो पाउडरी आई शेडोज का सबसे अच्छा ये होता है कि वो बहुत अच्छे से इजिली ब्लेंड होते हैं। सो इट्स अ ओके पैलेट, बट लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। सेकेंड पैलेट है ये वाला एल ए कलर का आई लव ड्रामा आई पैलेट, जिसमें आपको यू नो एक डायरी जैसा फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है एक मैट पाउडर,
जिससे आप अपने आई बेस को सेट कर सकते हो डार्क सर्कल लाइक अंडर आइज में, एंड एक शिमरी व्हाइट शेड जिससे आप अपना हाँ ब्राउन को हाईलाइट कर सकते हो. एंड यहाँ पे कुछ शिमरी शेड्स मिल रहे हैं, मोस्टली सारे शिमरी हैं, बट ये वाली जो रो है जिसमें ये पीची शॉर्ट ऑफ ए शेड है जो मैंने अपनी क्रीज में सबसे पहले बफ किया था, ये पिगमेंटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा पाउडरी है. ओ माई गॉड, दे आर सो पाउडरी, चौकी पाउडरी. मतलब जब आप इन्हें ब्लेंड कर रहे हो तो कलर्स आपके आईज पे आ ही नहीं रहे हैं. और ये वाली जो रो आप देख रहे हो, ये वाली फर्स्ट वन, ये सारे बहुत पिगमेंटेड हैं. तो मैंने इन दो को अपनी आईज पे यूज़ भी किया है. बहुत खूबसूरत शेड है, टील ग्रीन एंड यू नो ब्लू कलर है, पर्ली फिनिश है इनकी. एंड दिस ब्लैक वन इज ऑल्सो वेरी नाइस. सो या इट्स ओके काइंड ऑफ अ पैलेट. और ये वाली चीज़ तो मैंने यूज़ ही नहीं करी है क्योंकि मुझे लगा ही नहीं इसे यूज़ करने जैसा कुछ था. सो ओके पैलेट फॉर मी. एंड इसका प्राइस 750 रुपीज़ है, बट 750 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छे पैलेट्स मिल जाएंगे गाइस. सो या नेक्स्ट, उसके बाद फिर मैंने अपनी वाटर लाइन में अप्लाई किया है ये LA गर्ल का शॉक वेव नियॉन आईलाइनर. ये एक नियॉन येलो नियॉन इन कलर है, मैंने अपनी वाटर लाइन में अप्लाई किया था. तो या है आईज को थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए, थोड़ा सा ड्रामा देने के लिए काजल काफ़ी अच्छा है. मैं आपको दिखाती हूँ, ये शार्प करने वाले हैं और ये बहुत ही पिगमेंटेड हैं एज यू कैन सी. तो अगर आपको नियॉन आई मेकअप करना है तो उसके बेस के लिए भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट फिर मैंने यूज़ किया ये फेसेस का ऑल टाइम प्रो का यू नो फेल्टिप पेन लाइनर. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने रीसेंट वाले में अपना शायद कलर बार का यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था. यू कैन सी कि बहुत अच्छा विंग लाइनर ड्रॉ हो रहा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है. सो या नेक्स्ट अपने ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये LA गर्ल की ब्राउ पेंसिल. सो ये डुओ पेंसिल्स हैं, एक शेड है ब्रूनेट और दूसरा शेड है मेरा चेस्टनट. या सो दो शेड्स हैं इसके अंदर और दोनों में आपको यू नो पतली सी माइक्रो पेंसिल मिल रही है. एंड आप देख सकते हैं ब्राउज को इसने कितने अच्छे से फिल किया है. माइक्रो है तो आप अपने बहुत अच्छे से फिल कर सकते हो, शेप दे सकते हो. एंड उसके साइड में स्पूली है जिससे आप यू नो अपने ब्राउज को आपके प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है LA गर्ल की. मेरे पास इसमें पलाडियो की भी है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद. मेरे पास यू नो दो लैश ग्लू हैं बट मैंने दोनों ही यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं अपने आई मेकअप के साथ कोई मेस नहीं चाहती थी. तो एक सबसे पहले है LA कलर का और सेकेंड वन है जॉर्जियो का. दोनों ही मेरे पास हैं, लेट्स सी किसी वीडियो में यूज़ करके बताऊंगी कि कैसा है. जॉर्जियो पे मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती बट शायद LA कलर अच्छा हो, लेट्स सी. सो या नेक्स्ट थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे है पिगमेंट और ये मेकअप फॉर लाइफ का पिगमेंट्स है. तो इसे मैंने थोड़ा सा पैट किया, अगर आपको हल्का सा शिमर दिख रहा होगा, बिल्कुल लास्ट में डस्ट किया था आई मेकअप को थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए. तो या ये डस्ट है, ये सिल्वर इन कलर में है. नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे को, मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया था ये LA कलर का शिमरी ब्रॉन्जर. सो गाइज मुझे ना इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. तो इसका सारा शिमर निकल गया है क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा यू नो शिमर था. ये पूरा जो आप सन वाला डिज़ाइन देख रहे हो उसमें पूरे में गोल्डन शीन थी जो कि बार बार इस लग रहा था आपने बहुत गोल्ड अप्लाई किया है. एंड नाउ यू कैन सी कि ये ब्रॉन्जर सच में बहुत अच्छा है, बटरी सॉफ्ट ब्रॉन्जर है. ओ माई गॉड, एंड आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ब्रॉन्जर है. सो अब शिमर हट गया तो इसे मैं यूज़ भी कर सकती हूँ. सो या तो मैंने ये ब्रॉन्जर यूज़ किया था. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये LA कलर का सो चीकी ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट. इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने, काफ़ी अच्छा पैलेट है. सिर्फ स्पेशली जो डस्की स्किन टोन है उन पर भी बहुत अच्छा जाएगा, पर्पल लाइट पिंक एंड डार्क पिंक शेड. उसके साथ आपको हल्का सा ब्रॉन्जर शेड भी मिल रहा है, दो हाईलाइटर मिल रहे हैं. तो मैंने इसमें से ये दो शेड पिक करके अपने एज अ ब्लश अप्लाई किया है. हाईलाइटर के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं. सो मेरे पास है यहाँ पे ये 6 हाईलाइटर्स और सारे ही सारे LA कलर्स के हैं. सो या मेरे पास शेड्स बहुत डिफरेंट हैं. ये थोड़ा सा पीची शॉर्ट ऑफ शेड है, ये वाइट ब्लू शेड है, देन शैम्पेन शेड है. ओ माई गॉड, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जिसे मैंने चिक्स अप्लाई किया. ये पिंक गोल्ड हाईलाइटर एंड आई लव पिंक गोल्ड हाईलाइटर्स. ओह वाओ, आई लव्ड इट. सो या नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉन्जी हाईलाइटर एंड देन प्रॉपर गोल्ड हाईलाइटर. तो मेरे पास यहाँ पे 6 हाईलाइटर्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया. एंड गाइज ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अमेजिंग हाईलाइटर है, आपको एक बार ट्राई करने चाहिए. एंड इनका प्राइस समथिंग 650 और समथिंग कुछ है अराउंड, इतना ही है या 650 रुपीज़ है. ऑन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ साथ आपको इसमें मिरर भी मिल रहा है बैक साइड पे. यू नो इस तरह बैक साइड पे मिरर भी मिल रहा है. तो या काफ़ी अच्छे हाईलाइटर्स हैं एंड इनमें क्वांटिटी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है.
सो हाइलाइटर वगैरह सब कुछ अप्लाई करना है. लिप कलर के लिए मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज़ किए, दोनों ही एले कलर की हैं. तो फर्स्ट वन इज ये डुओ चिक यू नो लॉकिंग लिप कलर है. ग्लॉस एक साइड ग्लॉस एक साइड लिक्विड लिपस्टिक है. तो लिक्विड लिपस्टिक जो है वो पीची थी, बहुत ही ब्राइट आई मेकअप है तो मैं भी थोड़ा सा सटल रखना चाहती थी. इसको अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैंने अप्लाई की है ये एले कलर की मैट लिक्विड लिप कलर. बिल्कुल स्किन टोन है तो अगर आपको अपनी लिपस्टिक को न्यूट्रलाइज करना है तो ये न्यूट्रलाइजर का काम बहुत अच्छा करेगी. एकदम स्किन टोन लाइक अ प्रॉपर न्यूड कलर. सो या तो मैंने इन दोनों को शेड को यूज़ किया है. और तो मस्कारा मैंने आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मस्कारा में यूज़ किया येलो कलर का मेगा ड्रामेटिक लैश. ओ वाओ दिस इज अमेजिंग मस्कारा गाइज. बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं था, बिल्कुल ही आपके लैशेस को सेपरेट कर रहा था. बहुत ही अच्छा मस्कारा लगा मुझे ये. इसका जो वॉन्ट है वो बहुत अच्छा है, यू नो लैशेज में अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करेगा, सेपरेट करेगा साथ ही साथ, क्योंकि बहुत ही इसके ब्रिसेस बहुत ही यू नो फाइन से हैं. तो मुझे ये मस्कारा भी बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे दो नेल पेंट और दोनों ही ये फेसेस की हैं. ये शिमरी है, ये नेल पेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. लाइक आप टॉप करने के लिए अपने नेल पेंट पे शिमरी यू नो ग्लिटर देने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे से लगाने के बाद अब छूटने वाला नहीं है. नेक्स्ट वन इज दिस फेसेस का बिल्कुल मैट. यू गाइस कैन सी मैंने अप्लाई किया हुआ है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैट शेड और न्यूड मैट शेड है. तो मुझे ये भी बहुत सुंदर लगा शेड, ये बहुत ही प्यारा शेड है, न्यूड शेड. वाओ ओके नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे है मेरे पास ये कलर बार का न्यूडिट रोज क्ले मास्क. ये फेस मास्क है, मैंने इस वीडियो में ट्राई नहीं किया फॉर श्योर, मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में या फिर इंस्टा स्टोर या फिर अपनी इंस्टाग्राम पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. ये क्लींस हाइड्रेट एंड हील फेस मास्क है. 97% नेचुरल है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है. तो या नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ये एले कलर का या एले गर्ल का जेल आईलाइनर इन द शेड ब्राउन, जो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था. मैंने बेसिकली इसको आईलाइनर के लिए नहीं, आईब्रोज के लिए लिया है, क्योंकि मुझे यू नो ब्राउ पोमेड्स पसंद है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इसलिए, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है एज अ ब्राउ जेल. सो या नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ये शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 26 रोज रिपोज. वाओ रोज रिपोज सी, ये और ये शेड काफ़ी सिमिलर है तो मैंने यू नो मिक्स एंड मैच करके ऐसा शेड बना लिया उसे. नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे दो मेकअप ब्रशेज जो कि वेट एंड वाइल्ड के मेकअप ब्रश हैं. एक हाइलाइटर ब्रश है P57 और एक है ये ब्लश एंड कॉन्टोर ब्रश. तो मैंने इन इस वीडियो में यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रश थे, तो मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगी. नेक्स्ट एंड जो लास्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये थैंक यू फार्मर का बैक टू आइसलैंड क्लिनजिंग वाटर. तो ये काफ़ी सैम्पल साइज है, लेट्स सी कि ये कितना अच्छा वर्क करता है, देन मैं इसका फुल साइज लूँगी. तो नेक्स्ट एंड लास्ट ये प्रोडक्ट मेरा था. सो गाइज ये था मेरा आज का हॉल. आई होप आपको ये मेकअप हॉल और ये मेकअप लुक दोनों ही पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये हॉल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो गिव अ बिग थम्स अप. इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी. यस गाइज मैं टिकटॉक पे भी हूँ तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ वीडियोज़, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा यू नो टिकटॉक अकाउंट है शाई स्टाइल्स 5. वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा. सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइज, लव यू.